गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। ऑनलाइन स्टडी फॉर यू के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 5 कराने जा रहे हैं। बेसिकली हमारी एक्सरसाइज तो कंप्लीट होगी, पर जो फर्दर कुछ क्वेश्चन बचे हैं उनको हम इस पार्ट 5 में करवाएंगे और उसके बाद इसको फिनिश कर देंगे और हमारे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस लेक्चर में हम 8 से 10 क्वेश्चन लेंगे और इसका टाइम पीरियड होगा लगभग 40 से 50 मिनट, यानी इस लेक्चर का टाइम पीरियड ऑन एन एवरेज 50 मिनट के आसपास रहेगा और 8 से 10 क्वेश्चन होंगे। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, यानी इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर, ऑप्शन दे रखा है 0, 1, 2, -1। सो गाइस इस वीडियो को आगे देखने से पहले इसे एक बार लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो हम वैल्यू फाइंड करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस सेक थीटा इंटू जो दे रखा है उसकी वैल्यू, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी, तो इसको एक बार हम नीचे उतार लेते हैं आंसर में, है ना। कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा इज इट क्लियर, ये लिख लिया मैंने। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करूंगा मैं, टेन थीटा को कन्वर्ट करूंगा किसमें, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आपको ये क्वेश्चन काफी बार ये ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब भी आपको पता चलेगा कि किसको किसमें कन्वर्ट करना है, कि साइन अपॉन कॉस में करना है या फिर ये वाला फॉर्मेट में करना है। इसमें भी कर सकता था पर फिर टेन थीटा इक्वल्स टू रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन यानी रूट आ जाता तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। अभी हम नॉर्मल करते हैं, प्लस सेक थीटा को मैं करूंगा 1 अपॉन कॉस थीटा होता है ना, 1 अपॉन कॉस थीटा बताया था मैंने, सेक थीटा है तो इसके सामने वाला कॉस आ रहा है तो 1 अपॉन कॉस हो जाएगा, इज इट क्लियर, ये लिख लिया। इनटू चल रहा है 1 प्लस कॉट थीटा मुझे पता है क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्यों होता है, क्योंकि देखो टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है और मुझे पता है कॉट थीटा क्या है, टेन थीटा का उल्टा होता है, तो इसलिए कॉस ऊपर आ जाएगा साइन नीचे आ जाएगा। माइनस कॉसेक थीटा क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा क्यों होगा, क्योंकि देखो कॉसेक थीटा उसके सामने क्या रहा है, साइन थीटा आ रहा है तो 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, इज इट क्लियर। तो क्या करूंगा, अपॉन में आ रहे ना ये नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर बन रहे, तो क्या करूंगा मैं एलसीएम लूंगा, इधर 1 मान लिया इधर 1 मान लिया आसानी से समझने के लिए। तो गाइस सबसे पहले मैं इसका लूंगा और इसका, दोनों का एलसीएम लूंगा अलग अलग, तो इसका एलसीएम लूंगा, इसका क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा कॉस थीटा, इसका क्या आएगा कॉस थीटा। गाइस समझ में आ रहा है कैसे आया, क्योंकि देखो नीचे रहा 1 कॉस थीटा और कॉस थीटा, तो 1 का तो कोई मतलब नहीं है, कॉस थीटा और कॉस थीटा दोनों सेम आ रहे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। तो कॉस थीटा में क्या करूंगा मैं, अब पहले इसको सॉल्व करूंगा, तो कॉस थीटा में मैं 1 का डिवाइड करूंगा, तो 1 का किसी में डिवाइड करता हूं उतनी बार जाता है तो कॉस थीटा टाइम जाएगा, कॉस थीटा को फिर ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा ही आएगा, ये एलसीएम को सॉल्व करने का तरीका है। प्लस कॉस थीटा कैंसिल आउट, 1 को साइन से करूंगा तो साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा और ऐसे प्लस ये 1 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, क्यों, कॉस से कॉस कैंसिल आउट 1 को फिर ऊपर 1 से करूंगा तो 1 ही आएगा, है ना, इज इट क्लियर। इनटू यानी ये वाला तो हमारा कंप्लीट हो गया पोर्शन। अब इस वाले पोर्शन पाते हैं, इस वाले पोर्शन में 1 साइन थीटा और साइन थीटा आ रहा है तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा पूरे पर साइन थीटा आ जाएगा, और 1 का डिवाइड करेंगे साइन थीटा में तो साइन थीटा टाइम जाएगा, जैसे इसमें डिवाइड किया था कॉस थीटा टाइम किया था फिर उसको 1 से किया था तो कॉस थीटा आ रहा था, ऐसे ही इसमें साइन थीटा टाइम जाएगा फिर 1 से करेंगे तो साइन थीटा ही आएगा। गाइस ये एलसीएम लेना आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता तो पहले उसकी भी साथ ही साथ बेसिक मैथमेटिक्स भी चालू रखिए, क्योंकि मैं बार बार से आप सोचते हैं बार बार से क्यों कहते हैं ये सर, पर ये जरूरी है गाइस, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक कोई काम का नहीं है ये चीज। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा गाइस, इज इट क्लियर, ये यहां तक समझ में आ गया आपको, अगर आपको समझ में आ गया हो तो हमें बताइए। देखो गाइस ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, तो मैं क्या लिख लू, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको एक बार और इधर ढंग से लिख लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ मैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, है ना, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, है ना, इज इट क्लियर। इन टू गाइस आई थिंक मार्कर नहीं चल रहे, इसमें पानी की थोड़ी बूंदें गिर गई है बोर्ड पे, इन टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, इज इट क्लियर, ये मैंने लिख लिया है ना, और अपॉन नीचे ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो गाइस देखो इधर क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 आ रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 आ रहा है, तो ये क्या, इसको मैंने मान लिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को मान लिया मैंने ए मान लिया, क्या मान लिया, ए मान लिया, और 1 को क्या मान लिया मैंने, बी मान लिया, ऐसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि मैंने ए माना था ना इस तरफ, तो ये भी ए के बराबर होगा और 1 किसके बराबर होगा, बी के बराबर। तो देखो इसकी जगह मैं ए रखूंगा तो ए प्लस 1 की जगह बी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, ए माइनस बी हो गया, कैसे हो गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की जगह क्या रखूं, मैं एक बार इसको इधर लिख लेता हूँ ए, और 1 की जगह प्लस बी लिख लूंगा ना, ऐसे ही इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं ए,
और वन की जगह माइनस बी, तो इज इट क्लियर। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इक्वेशन बन गई ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, गाइस क्या बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गई। तो बस इसको सॉल्व करते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। बाकी अगर आपको ये इक्वेशन याद नहीं है, सर्व समीकरण याद नहीं है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी समझ में नहीं आ रहा बन रहा है या नहीं या फिर नहीं कर पा रहे, तो आप सीधे मल्टीप्लाई कर दो इसको। पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में साइन थीटा को इस साइन थीटा से गुणा करेंगे, इसको इससे करेंगे पहले, है ना, फिर इस साइन थीटा को इससे करेंगे, फिर साइन थीटा को इससे करेंगे। यानी पहला जो एलिमेंट उठाओ उसको बाकी सबसे मल्टीप्लाई कर दो, फिर दूसरा उठाना उसको तीनों से मल्टीप्लाई कर देना, फिर ये लास्ट बचे उसको उठाना तीनों से मल्टीप्लाई कर देना, फिर बाद में देखना कट के आंसर जो भी आएगा वो इसी के इक्वल आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, मैंने बता रखा है। तो गाइस इसको मैं इस तरफ करवा देता हूं, इस तरफ लिख देता हूं, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी साइन थीटा, मान के चलो मैं एक बार इधर लिख ही देता हूं, साइन थीटा मैंने क्या मान लिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। इसे क्लियर गाइस कैसे हुआ कि मैंने ए माना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बी वन माना, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी की जगह वन, तो माइनस वन का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या चल रहा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा चला है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा चला है। जब ए प्लस ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा, यानी क्योंकि जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है यानी दो संख्या होती है उनका होल स्क्वायर होता है, तो क्या करते हैं उसमें उसमें सॉल्व करते हैं इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर करते हैं, फिर टू इंटू करते हैं टू इंटू ये दोनों कर देते हैं, तो क्या करूंगा साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा यानी इसका स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू इंटू ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस थीटा, और ये माइनस वन का स्क्वायर तो वन ही होता है तो माइनस वन का स्क्वायर वन, तो माइनस वन अपॉन नीचे चल रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इज इट क्लियर। अब देखो गाइस ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये आ गया, इसकी वैल्यू क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होती है वन के इक्वल, क्या होती है वन के इक्वल, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ वन लिख सकता हूँ, तो वन प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस वन अपॉन नीचे साइन थीटा कॉस थीटा चल रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा चल रहा है गाइस, इज इट क्लियर। जब ये प्लस वन है और ये माइनस वन है दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी एक एक व्यक्ति से तो आपने एक रुपया ले लिया दे दिया एक को तो प्लस हो गया, एक से आपने ले लिया तो माइनस आ गया, तो यानी आपके पास तो रुपया बचा ही नहीं, तो ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इनको तो मैं हटा सकता हूँ गाइस। आप इसी स्टेप में मत करना, अगली स्टेप में करना, बोर्ड भर चुका है इसलिए मैं इसी में बता रहा हूँ। तो वन से तो वन हट जाएगा, ये हट गया, अब देखो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में आ रहे सारे ये है ना, तो ऊपर नीचे सेम होते हैं, और मल्टीप्लाई में हो या डिवीजन में हो तो कट या मल्टीप्लाई हो सकते हैं, साइन से साइन कट जाएगा कॉस से कॉस कट जाएगा, तो यानी ये चारों चीजें हट गई, बचा क्या सिर्फ टू, बचा क्या बचा टू, तो ऑप्शन हमारे पास क्या है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको ये वीडियो ये क्वेश्चन कैसा लगा और समझ में आ गया हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे बढ़िए। सो गाइस सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इफ ए बी सी आर इनर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यानी ए बी और सी है ना अंत कोण है किसके त्रिभुज एबीसी के अंतर कोण, यानी कोई त्रिभुज एबीसी है त्रिभुज एबीसी मान लिया ना, अब इसमें राइट एंगल फाइट एंगल कुछ नहीं दे रखा है ना, या लंब कर्ण ऐसा कुछ नहीं दे रखा, खैर फिर भी हम एक कोण तो 90 डिग्री मानेंगे क्योंकि साइन कॉस आ रहे हैं ना, तो एक 90 डिग्री होगा ही होगा, तो कोई सा भी मान सकते हैं, पर इसमें बता नहीं रखा कि ए मानना है बी मानना है या सी मानना है, तो मैंने एक मान लिया, तो एबीसी ऐसे मान लिया सपोज करो ना, एबीसी ऐसे मान लिया ना, इज इट क्लियर। देयर का कि एबीसी अंत कोण यानी अंदर के कोण है, ए अंदर वाला इनर कोण, आप ए बाहर का कोण भी हो सकता है, ये वाला कोण ये बाहर का हो गया, इज इट क्लियर, आउटर कोण हो जाता है, पर हम इनर एंगल दे रखे यानी अंदर के वाले कोण दे रखे हैं त्रिभुज एबीसी में, तब हमें क्या सिद्ध करना है कि साइन बी प्लस सी बाई टू यानी जो बी इसका एड प्लस सी इनका एड बाई टू का साइन लेंगे ना, साइन लेंगे इसकी जो वैल्यू आएगी उसका साइन लेंगे वो कॉस ए बाई टू यानी कॉस ए बाई टू के बराबर होगा, इज इट क्लियर। समझ में नहीं आ रहा होगा, बस इसको हमें इसके बराबर सिद्ध करना है, तो कैसे करते हैं, तो लिखेंगे हम, हमें पता है कि ट्राइंगल इन एनी ट्राइंगल द सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, इन एनी ट्राइंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स यानी सभी कोणों का योग त्रिभुज में, त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है गाइस। तो ए इसमें त्रिभुज में कितने कोण है, तीन है, तो एक तो ए वाला हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया, तो ए प्लस बी प्लस सी, गाइस आप ये मत सोचना बी की जगह 90 रख दो, बी मैंने मान लिया, सी भी तो 90 हो सकता है क्योंकि अभी इसमें दे नहीं रखा, तो मैंने बस ऐसे ही मान लिया, पर आपको कोई वैल्यू नहीं रखनी बी की जगह, बस आपको इतना रखना है कि ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों कोणों का योग कितना हो जाता है 180 डिग्री होता है गाइस, इज इट क्लियर, समझ में आ गया।
अब मुझे क्या चाहिए, मुझे बी और सी एक साथ चाहिए और ए दूसरी तरफ चाहिए, इज इट क्लियर? ये इसमें देख सकता है बी और सी एक साथ है और ए दूसरी तरफ, तो मैं क्या करूं ए को दूसरी तरफ भेज दूंगा, तो इधर क्या बचेगा बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 माइनस ए, समझ में आ गया? यानी मुझे बी और सी एक साथ चाहिए, तो मैंने बी सी एक साथ रख लिए और ए को मैं इस तरफ से हटाना है, मुझे इस तरफ से हटाऊंगा, इधर प्लस में तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे से ये हट जाएगा, यहाँ से ए हट के इधर आ गया, माइनस ए हो गया, इज इट क्लियर? ऐसे किया मैंने अगले स्टेप में, इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया। और देखो गाइस बी प्लस सी बाई टू है, यानी दो से डिवाइड है, तो मैं दो से डिवाइड भी कर दूंगा, तो ऐसे नहीं है कि दो से डिवाइड करूंगा तो एक ही तरफ होगा, नहीं गाइस कुछ भी गुणा करें, जैसे दो से गुणा करूं तो दोनों तरफ करना पड़ता है जिससे समान रहे। कैसे? सपोज करो इधर आ रहा है फोर आ रहा है, दैट इज टू इंटू टू आ रहा है, टू इंटू टू है ना, ये हमें पता है। अब मैं सपोज करो आगे इधर क्या कर दूं, इधर मैं दो से गुणा कर दूं, दो से गुणा कर दूं, तो ऐसा नहीं है कि ये फिर ये गलत हो गया ना ये चीज, तो है ना, अगर मैंने एक ही तरफ दो से गुणा किया, अभी तो ऐसे है इसका, ये तो सही आपको पता है। अब मैंने एक तरफ दो से गुणा कर दिया तो ये कितना आएगा, फोर टू जा टू, फोर सा एट होता है, टू टू जा फोर, तो ये बराबर थोड़ी होते हैं, है ना, तो यानी एक तरफ हम नहीं कर सकते। अगर दोनों तरफ करूं, जैसे इधर भी दो से कर दिया और इधर भी फिर दो से कर दिया, तो टू टू जा फोर टू जा एट होता है और टू फोर जा एट, यानी जब बराबर रहेंगे, यानी दोनों तरफ भी जोड़ेंगे घटाएंगे, यानी दोनों तरफ करेंगे कुछ भी हम चेंज करते हैं इक्वेशन में, तो दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो जैसे दो से इधर डिवाइड कर रहा हूं तो इस पूरे में भी दो से डिवाइड करूंगा ही करूंगा, जब भी समान रहेगा, जिससे दो से दो कट जाए आराम से, है ना, और बाद में वही इक्वेशन आ जाए। अब देखो बी प्लस सी बाई टू आ गया मेरे पास, ये आ गया। अब आगे साइन और है तो बस साइन और लगा दो, आगे साइन लगा दो इसके, बी प्लस सी बाई टू है ना। अब मैंने इस तरफ लगा दिया, समझ गया, बी प्लस सी बाई टू ये, इसके आगे साइन लगा दिया, तो अब एक तरफ लगाए तो दूसरी तरफ भी लगाना पड़ेगा, ऑब्वियसली आपको पता है क्योंकि इक्वेशन है, इसमें दोनों तरफ चेंज करने पड़ते, तो इधर भी साइन लगा दिया, साइन लगा दिया, इसके अंदर 180 माइनस ए बाई टू, गाइस ये समझ में आ गया। तो देखो हमारे पास लेफ्ट वाली जो साइन बी प्लस सी बाई टू आ गई, अब राइट में लेकिन वो नहीं आ रहा, तो राइट में क्या करेंगे, तो देखते हैं अभी, तो एज इट इज चलने देते हैं, इसमें थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ये कह रहा है साइन, अब टू है, टू दोनों के नीचे है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 180 बाई टू माइनस ए बाई टू, है ना, माइनस ए बाई टू, इज इट क्लियर? तो साइन साइन बी प्लस सी बाई टू, बी प्लस सी बाई टू, गाइज अब आगे क्या आएगा, 180 बाई टू कितना होता है, 180 बाई टू 90 होता है, 180 में 90 का भाग देंगे, 180 में 2 का भाग देंगे तो 90 आएगा, माइनस ए बाई टू, गाइस माइनस ए बाई टू। अब यहां तक हो गया, समझ में आ गया, तो फिर तो मैच ही खत्म है, खेल खत्म है, ये इक्वेशन एज इट इज इस तरफ उतार दूं मैं, तो थोड़ा बहुत चेंज करके, तो लेफ्ट हैंड साइड तो साइन बी प्लस सी बाई टू चलेगी, साइन बी प्लस सी बाई टू, आई थिंक मार्कर इज नॉट वर्किंग, सो गाइस मैं इस तरफ लिखूंगा, तो ये साइन बी प्लस सी बाई टू, साइन बी प्लस सी बाई टू, ये तो एज इट इज चलेगा, बराबर साइन 90 माइनस ये थीटा हो गया ना, ए बाई टू थीटा होता है, 90 माइनस जो कुछ भी होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में हो जाता है, कॉस ए बाई टू, कॉस ए बाई टू, तो यही हमारे सिद्ध करना था। देखो साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल्स टू कॉस ए बाई टू, यही इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड दैट इज आर एच एस, समझ में आ गया। बेसिकली ये क्या था, साइन 90 माइनस माइनस जो कुछ भी होता है थीटा, वो क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा, क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है, यानी कॉस थीटा क्या, ए बाई टू, ए बाई टू आ जाएगा, यानी इसका इसमें कन्वर्ट हो जाता है, इसका इसमें कन्वर्ट हो जाता है, tan 90 माइनस थीटा दैट इज cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा दैट इज tan थीटा, ऐसे ही आपस में sec 90 cos है, cos 90 sec हो जाता है, ये समझ में आ गया होगा, तो इसको लाइक कीजिए। अब हम वापस अपनी, ये 8.3 का क्वेश्चन था जो हमने पहले छोड़ दिया था, वापस 8.4 पे आते हैं। तो गाइस थर्ड क्वेश्चन है, हमें प्रूफ दैट, हमें सिद्ध करना है कि cos थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, यानी cos थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, टेक एलएचएस, टेक एलएचएस दैट इज क्या दे रही है हमारे पास, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, है ना। अब इसको हम राइट हैंड साइड की इक्वल लाने की कोशिश करेंगे गाइस, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम कोसेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा लिख सकता हूँ, कोसेक उसके सामने आ रहा है साइन, तो 1/sin थीटा माइनस कॉट थीटा, यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, इज इट क्लियर गाइस, इज इट क्लियर, आपका होल स्क्वायर, समझ में आ गया। अब देखो अब क्या होगा, इन दोनों में एलसीएम देखो, दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों चीज सेम आ रही, तो एलसीएम साइन थीटा ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा। अब क्या करते हैं, एलसीएम लेने के बाद हम नीचे वाले का डिवाइड करते हैं इस वाले में, तो साइन थीटा का साइन थीटा में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को फिर 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, ऐसे माइनस तो माइनस है, साइन का साइन से 1, 1 को कॉस से करेंगे तो कॉस थीटा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर चल रहा है, इसका होल स्क्वायर चल रहा है, यानी हमने इसको सॉल्व किया। बस एलसीएम नहीं समझ पा रही हूँ, मेरा कहने का मतलब कि जैसे 1/2 + 2/2 है, इज इट क्लियर, तो इसमें एलसीएम 2 आ रहा है ना, 2 आ रहा है,
अब क्या करेंगे, अब टू का डिवाइड टू से करेंगे, तो टू का डिवाइड टू से करेंगे तो वन आएगा, वन को वन से करेंगे तो वन आ जाएगा, प्लस इसका इसमें डिवाइड करते हैं ना, यानी इसका डिवाइड करते हैं टू बाई, ये नया टू आ रहा है, इसको ऐसे डिवाइड करते हैं, फिर जो आंसर आता है उसको हम ऊपर वाले से गुणा कर देते हैं, तो वन आएगा, वन को दो से करेंगे तो दो आ जाएगा, तो 3/2 आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हमने इसमें किया, एलसीएम लेने का जो होता है मेथड उससे किया है, तो 1 cos θ का होल स्क्वायर, जब इसको फर्दर करूंगा तो 1 cos θ का होल स्क्वायर अपॉन sin²θ अपॉन sin²θ, यानी कि ये होल स्क्वायर पूरे ऊपर चल रहा है, और इसको मैंने सॉल्व करा अंदर वाले को, तो अंदर वाले पर ये बन गया, अब स्क्वायर में इस पर भी लगा दिया और नीचे वाले पर भी लगा दिया, ऐसे कर सकता हूं मैं, इस पर भी लगा दिया और इस पर अलग अलग कर दिया मैंने स्क्वायर, है ना। अब क्या करूंगा, अब मुझे पता है कि मुझे 1 cos θ / 1 cos θ चाहिए, तो नीचे भी cos θ चाहिए, इज इट क्लियर। ऊपर तो 1 cos θ का होल स्क्वायर बन रहा है, यानी उसके जैसा बन रहा है ना ऊपर, है ना, मेरे को दिख रहा है, पर नीचे मुझे नीचे 1 cos θ चाहिए, नीचे क्या चाहिए, 1 cos θ ऐसा ही कुछ चाहिए, तो मुझे sin θ को उठाना पड़ेगा, उसकी जगह cos θ की टर्म में लाना पड़ेगा, तो क्या करूंगा, ऊपर तो ऐसे ही चलने दूंगा, क्योंकि ऊपर तो अब चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही मुझे मेरे पास बन गया, और sin²θ क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, गाइस देखो यहाँ से लिख सकता हूँ sin²θ प्लस cos²θ, दैट इज 1 होता है, मुझे पता है 1 होता है, मुझे sin²θ चाहिए, तो इसको मैं दूसरी तरफ भेजूंगा, तो ये यहाँ प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ से हट गया, यहाँ से हट गया, इस तरफ गया तो माइनस हो गया, माइनस cos²θ हो गया, तो sin²θ क्या लिख सकता हूँ, 1 cos²θ लिख सकता हूँ, इज इट क्लियर गाइस, इज इट क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब क्या करूंगा, अब मैं करूंगा 1 cos θ का होल स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 cos θ × 1 cos θ लिख सकता हूँ ना, स्क्वायर यानी दो बार वो गुणा हो रहा है ना, अपॉन 1 cos²θ, दैट इज 1 cos θ × 1 cos θ, 1 cos θ, ये कैसे हुआ गाइस, ये सर्वसमिका लग रही है, आपको पता है कि a + b × a - b इक्वल्स टू a² - b² होता है, इज इट क्लियर, समझ में आ गया। तो अब यहां पे देखो, यहां पे मैंने a क्या मान लिया, 1 मान लिया, a मान लिया मैंने 1 मान लिया, और b क्या मान लिया मैंने cos θ मान लिया, b cos θ मान लिया, इज इट क्लियर। तो यानी a की जगह 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस b का स्क्वायर, b मैंने cos θ माना तो cos θ का स्क्वायर हो जाएगा cos²θ, है ना, ये देखो 1 cos²θ, और वो किसके बराबर रहेगा, a + b, यानी 1 + b क्या है cos θ इंटू a - b, यानी 1 - cos θ, यानी 1 - cos θ, तो इससे 1 cos θ × 1 cos θ हो गया गाइस। आप सोच रहे होंगे और मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो मुझे cos² नहीं, सिर्फ सिंगल 1 + - में से करना था ना, 1 cos θ है, इज इट क्लियर, तो मैंने 1 cos θ ले आया था, 1 cos θ ले आया, और मुझे सीधे सीधे दिखा, आप प्रैक्टिस करेंगे तो 1 cos²θ ये जो है सर्व समझाए +b × a - b वाली आपको टफ लग रही होगी, लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से अप्लाई करना सीख जाओगे, तो 1 cos²θ, दैट इज 1 cos θ × 1 cos θ। अब देखो ये मल्टीप्लाई में चल रहे हैं ना, ये मल्टीप्लाई में, ऊपर ही मल्टीप्लाई में, और दोनों ऊपर नीचे सेम आ रही है, ये देखो 1 cos θ सेम आ रहा है ना, ये वाला, ये भी 1 cos θ सेम आ रहा है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1 cos θ, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 1 cos θ, 1 cos θ, तो मैं सिद्ध करना था 1 cos θ / 1 cos θ, दैट इज RHS, इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड हमारा आंसर आ गया, लेफ्ट हैंड को हमने राइट हैंड के बराबर बना दिया। फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइस क्वेश्चन 4 में आप देख सकते हैं कि मैं क्या सिद्ध करना है, √1 sin a / 1 - sin a, दैट इज इक्वल टू sec a + tan a, तो इसको दो तरीके से करने के हैं, एक तो लेफ्ट हैंड साइड लो उसको राइट के इक्वल कर दो, या एक राइट हैंड साइड लो उसको लेफ्ट के इक्वल कर दो, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करता हूं, और आपको होमवर्क देता हूं कि आप राइट हैंड साइड का यूज करते हुए लेफ्ट हैंड साइड बनाना। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, दैट इज √1 sin a / 1 sin a / 1 - sin a, गाइस इज इट क्लियर, ये हो गया। अब क्या करूंगा, अब मैं करूंगा परिमेयकरण, क्या परिमेयकरण, यानी दोनों तरफ वन, नीचे जो हर होता है ना उसको ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं दोनों तरफ, यानी हर क्या है 1 - sin a, तो गुणा किससे करूंगा 1 + sin a / 1 + sin a, चिन्ह चेंज हो जाता है, बाकी ऊपर नीचे गुणा हो जाता है, तो क्या करूंगा परिमेयकरण, क्या रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण, परिमेयकरण रेशनलाइजेशन, PIONALIZATIO, रेशनलाइजेशन करूंगा मैं, तो रेशनलाइजेशन करूंगा तो 1 + sin a हो जाएगा, 1 + sin a / 1 - sin a, ये तो एज इट इज चल रहा है, इज इट क्लियर, ये तो एज इट इज चल रहा है। अब मैं क्या करूंगा 1 - sin a तो माइनस की जगह प्लस कर दूंगा, तो 1 + sin a, यानी 1 + sin a कर दूंगा, और ऊपर क्या तो नीचे भी करना पड़ेगा, मैंने बताया था अगर इक्वेशन सेम रखनी है तो ऊपर नीचे दाएं बाएं दोनों मतलब होता है, तो दोनों तरफ हर तरफ वही गुणा या जोड़ बाकी करना पड़ता है। तो गाइस अब क्या करूंगा,
अब मैं इसको करता हूं कि इसको तो ऊपर वाले को ऊपर से गुणा कर दूंगा, नीचे को नीचे से गुणा कर दूंगा, तो देखो ऊपर को ऊपर से करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए, तो वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया ना, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, दो बार हो गया तो होल स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा वन माइनस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए, तो क्या हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर, ये वन माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि वन माइनस साइन ए इंटू वन प्लस साइन, यानी ये दोनों सेम है, ये भी सेम है, एक बार माइनस आ रहे एक बार प्लस आ रहे, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए यहाँ पे क्या है वन है, क्योंकि वन माइनस साइन कर रहे हैं ना, तो वन का स्क्वायर दैट इज वन माइनस साइन स्क्वायर है, तो रूट वन माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा कि रूट है तो रूट को मैं अलग अलग कर लूंगा, एक तो ऊपर वाले के साथ कर लूंगा साइन ए का होल स्क्वायर, इज इट क्लियर गाइज, और एक मैं नीचे कर लूंगा गाइज रूट वन माइनस, यानी जो ये रूट था ये पूरे पर था, तो मैंने क्या किया रूट को इसके साथ भी लिख लिया, इसके साथ भी लिख लिया, जैसे स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर ऊपर नीचे दोनों के साथ होता है, तो मैं इसके साथ भी लिख लेता हूँ, इसके साथ भी लिख लेता हूँ, ऐसे ही रूट भी मैंने पूरे पर था तो इसके साथ भी कर लिया, इसके साथ अलग अलग कर लिया, तो देखो गाइस ऊपर तो क्या होगा रूट वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर कट जाता है आपको पता है ना, क्योंकि दो बार आ रहा है, तो इसका मतलब है वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, दो बार साइन ए वन प्लस साइन ए आ रहा है, तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, ऊपर तो वन प्लस साइन ए बचेगा, ऊपर वन प्लस साइन ए बचेगा, नीचे क्या बचेगा रूट वन माइनस साइन स्क्वायर है, और वन माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू वन माइनस साइन स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर, इस फॉर्मूले का मैंने कर दिया, मैंने क्या किया कि साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले गया, तो इधर प्लस था तो इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इस तरफ से ये हट गया साइन का, तो बचा क्या सिर्फ कॉस स्क्वायर बचा, तो रूट वन माइनस साइन स्क्वायर देखिए क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस स्क्वायर ये लिख सकता हूं, तो देखो इधर भी स्क्वायर अगर रूट आ गया तो ये स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है तो क्या बचेगा वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए, और नीचे क्या बचेगा कॉस ए, क्योंकि स्क्वायर से रूट, ये रूट भी कट गया और ये स्क्वायर भी कट गया। अब देखो क्या करूंगा, ये पूरे के नीचे तो कॉस ए इससे भी डिवाइड करूंगा, इससे भी होता है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, एक बार दोबारा से इसको उतार देता हूँ, पूरे के नीचे है तो इसको लिख सकता हूं मैं वन अपॉन कॉस ए, वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इज इट क्लियर गाइस, क्योंकि जब एलसीएम लेंगे तो ऑब्वियसली ऊपर वाली ही निकलेगी, और मुझे पता है वन अपॉन कॉस ए किसके बराबर होता है, वन अपॉन कॉस ए दैट इज सेक ए के बराबर होता है ना, सेक ए होता है सेक ए, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए किसके बराबर होता है, टेन ए के बराबर होता है, टेन ए के बराबर, गाइस मेंशन कर देना कौन में लगा के, चूंकि वन अपॉन कॉस ए दैट इज सेक ए एंड साइन ए अपॉन कॉस ए दैट इज टेन ए, जब भी आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे, देखो सेक ए प्लस टेन ए हमारे पास आ गया ना, तो यही तो मुझे निकालना था, मैंने इसका लिखा, इसका यूज करते करते सॉल्व करते करते मैंने ये राइट वाला बना दिया, तो हमारा ये सिद्ध होगा दैट इज आर एच एस, हेंस प्रूफ, समझ में आ गया, ऐसे करना है। अब आपको होमवर्क देता हूं, इससे आप इस बनाओ, इससे आपको ये बनाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे सबसे पहले सेक ए को करेंगे उल्टा चलेंगे, सेक ए को कन्वर्ट करेंगे वन अपॉन कॉस ए में, वन साइन ए अपॉन कॉस ए में, फिर एलसीएम लेंगे, फिर इसको रूट वन प्लस साइन ए से करेंगे, आप अपने आप कर लेना, समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आए तो मुझे बताना। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम आगे फर्दर बढ़ते हैं। तो गाइस फिफ्थ क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कॉस ए अपॉन वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए दैट इज टू सेक, यानी हमें लेफ्ट हैंड साइड को इसके बराबर करना है ना, तो क्या करेंगे अगर ये देखो मल्टीप्लाई में होता ना, सपोज करो मल्टीप्लाई में होता तो ये दोनों सेम आ गए तो ये कट जाते, और कॉस ए भी कॉस ए कट जाता तो वन ही आ जाता, लेकिन ये मल्टीप्लाई में नहीं गाइस प्लस में, तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले हम जो जिसको सिद्ध करना है उसको लेफ्ट हैंड साइड को हम ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे कैसे लिख लेते हैं, ये क्या लेफ्ट हैंड साइड देखिए कॉस ए लेफ्ट हैंड साइड यानी बाया पक्ष, ये बाएं हमारे देखो हम ऐसे खड़ा हूं मैं तो ये दाया ये बाया पक्ष, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं यानी बाया पक्ष लेता हूं, तो दैट इज साइन ए है ना, प्लस चल रहा है प्लस वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन कॉस ए गाइस, इज इट क्लियर। अब देखो इसका एलसीएम क्या लूंगा, देखो एलसीएम में दोनों अगर सेम आ रहे होते ना दोनों तो वही ले लेता, लेकिन इसमें दोनों अलग अलग आ रहे हैं, ये एक तरफ तो वन प्लस साइन ए आ रहा है और एक तरफ कॉस ए आ रहा है, तो दोनों को ही ले लूंगा मैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कॉस ए इंटू वन प्लस साइन ए इंटू वन प्लस साइन, ये एलसीएम ले लेंगे, जैसे आता है वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन थ्री दोनों अलग अलग आ रहे हैं तो मैं क्या ले लूंगा टू इंटू थ्री डेट इज सिक्स ले सकता हूँ ना गाइस, इज इट क्लियर। तो मैं सही दोनों को मल्टीप्लाई, अगर आपको समझ में ही नहीं आया ना कि भाई एलसीएम क्या लेना है, तो आप ये करना कि जैसे एक तरफ क्वेश्चन ये एक लिख रखा है, सपोज करो ये लिख रखा है वन अपॉन तेरह प्लस वन अपॉन चौदह, इसका आपको समझ में नहीं आ रहा इसका एलसीएम क्या लूं, तो आप एलसीएम लेना इन दोनों को नीचे जो है उनको गुणा कर दिया करना, हमेशा ऐसे कर देना, ये हमेशा सही होगा है ना, पर है ना वैसे ही इसमें करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे कि नीचे हमें पता नहीं चल रहा है एलसीएम क्या आएगा, तो हम दोनों को आपस में गुणा करेंगे, एक तो कॉस ए एक इंटू इंटू में लेंगे इंटू ये वन प्लस साइन ए। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले एलसीएम दो संख्याएं दो दो चीजें दे रही हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा तो मैं मेरे को पता है कि जो एलसीएम लेते हैं उसमें ये नीचे वाले का डिवाइड करते हैं, तो इसका डिवाइड करूंगा, पहले के लिए देख रहा हूं, पहले के लिए वन प्लस साइन ए का डिवाइड करूंगा,
वन प्लस साइन ए का डिवाइड करूंगा, देखो तो इससे तो ये कट जाएगा, क्या कट गया ना ऑब्वियसली, ऊपर क्या बचा, सिर्फ कॉस ही बचा, तो जो बचता है ना, जो आता है कॉस है, उसको हम ऊपर वाले से गुणा कर देते हैं, ऊपर क्या है नॉमिनेटर से गुणा कर देते हैं, नॉमिनेटर नॉमिनेटर या डिनोमिनेटर, नॉमिनेटर यानी अंश से गुणा करेंगे, तो कॉस ए बच रहा है, कॉस को ऊपर कॉस ए, तो कॉस ए से ही गुणा करेंगे, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी दो बार हो गया कॉस ए इंटू कॉस ए, दैट इज कॉस स्क्वायर ए, यानी ये हमारा फर्स्ट, तो इसका तो कंप्लीट हो गया, इसकी फर्स्ट हमारी स्ट्रेटेजी कंप्लीट हो गई। इसको एक बार ढंग से लिख देता हूँ, वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, है ना, इज इट क्लियर, पहला समझ में आ गया। अब मैं इस पे जाऊंगा, इस पे जाऊंगा तो मैंने बताया था कि सबसे पहले जो डिनोमिनेटर होता है उसका डिवाइड करूंगा, जो भी दे रखा होता है उसका डिवाइड करूंगा, डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में ये कॉस ही है, क्या है कॉस है, तो इसका मैंने डिवाइड कर दिया, देखो जो एलसीएम लेते उसमें, तो ये देखो इससे ये कट जाएगा दोनों से हमारे यहाँ, बचा क्या वन प्लस साइन ए, क्या बचा वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए बचा ना, तो जो बचता है उसको मैं नॉमिनेटर यानी ऊपर वाले से गुणा कर देता हूँ, तो ऊपर वाले से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा वन प्लस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए, तो वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्या ऑल स्क्वायर हो जाएगा गाइस, इसको एक बार से करता हूं मैं समझाने के लिए, से किया था तो क्या हो जाएगा वन प्लस आ जाएगा, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इज इट क्लियर। अब क्या करूंगा ये इसको मैं फर्दर करूंगा, तो ये कॉस स्क्वायर एज इट इज चल रहा है, इसको खोलूंगा तो होल स्क्वायर है, तो मैं मेरे को पता था इसका स्क्वायर करते हैं प्लस इसका स्क्वायर करते हैं प्लस टू इंटू ये दोनों को कर देते हैं ना, ये पता है आपको, ये ऐसे ही करते हैं, तो इसका स्क्वायर है वन का स्क्वायर तो वन होता है, प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस टू इंटू ये वन इंटू साइन ए, ये आपको पता है फॉर्मूला होता है इसको सॉल्व करने का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, और नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है कॉस ए इंटू वन प्लस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए, यहां तक आपको समझ में आ गया हो। अब क्या करूंगा, अब मैं करूंगा कि देखो ये कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को एक साथ ले आऊंगा, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इज इट क्लियर, इन दोनों को मैंने एक साथ लिख लिया, प्लस वन इसको भी लिख लिया, प्लस टू इंटू वन क्या होगा टू ही होगा, टू को साइन से करूंगा तो टू साइन ही हो जाएगा, इज क्लियर टू साइन ही हो जाएगा, और नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है कॉस ए इंटू वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन, इज इट क्लियर गाइस। अब मुझे पता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, यहां से देखो साइन स्क्वायर ए थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ए है तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, दैट इज वन के बराबर होता है, आप सोच रहे हो इधर तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो गाइस साइन स्क्वायर ए करो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए करो, या कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए करो, हमने आगे पीछे जो किया है मतलब तो एक ही है ना, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ वन लिख सकता हूँ, तो इधर वन आ जाएगा और ये प्लस वन तो क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, इज इट क्लियर, इसकी जगह वन लिख सकता हूँ और प्लस वन नहीं तो टू हो जाएगा, टू प्लस टू साइन ए प्लस टू साइन ए अपॉन अपॉन कॉस ए इंटू वन प्लस साइन ए, गाइस वन प्लस साइन ए, ये समझ में आ गया, इसका मतलब है कि मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया वन रख दिया, इसकी जगह मैंने वन रख दिया और ये प्लस वन चल रहा है तो वन प्लस वन क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, प्लस टू साइन ए लिख दिया, प्लस टू साइन ए। अब गाइस क्या करूंगा, दोनों तरफ दो दो आ रहा है ना दोनों में, तो दो कॉमा ले लूंगा, तो अंदर क्या बचेगा वन प्लस साइन ए बचेगा, वन प्लस साइन ए बचेगा, और नीचे क्या, नीचे कॉस ए इंटू वन प्लस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए, नीचे ये कॉस ए इंटू वन प्लस साइन ए, ये दोनों ऊपर नीचे सेम आ रहे हैं और मल्टीप्लाई में ना देखो तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या टू अपॉन कॉस ए, क्या बचेगा टू अपॉन कॉस ए, तो इसको मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बचेगा क्या टू अपॉन कॉस ए, टू अपॉन कॉस ए, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ टू इंटू वन अपॉन कॉस ए, ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, और मुझे पता है वन अपॉन कॉस ए किसके बराबर होता है, यहाँ पे देखो कॉस ए वन अपॉन कॉस ए इसके सामने वाले सेक ए के बराबर होता है, किसके सेक, यानी टू सेक ए, टू सेक ए, दैट इज हमने राइट हैंड साइड इक्वल कर दिया, दैट इज आर एच एस इट इज सिस्टम गाइज, बेसिकली हमने क्या किया लेफ्ट हैंड साइड को लिखा एलसीएम लिया सॉल्व किया और जो है ए प्लस बी और स्क्वायर को खोला साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को ऐड करके हमें पता है वन होता है वन प्लस वन टू हो गया तो टू प्लस टू साइन ए आ गया नीचे तो एज इट इज चलने देंगे उसको तो कोई दिक्कत नहीं छेड़ेंगे नहीं तो देखो गाइस टू प्लस टू साइन ए दोनों में टू को माना गया तो टू बार निकल गया तो इसमें से टू को माना गया तो क्या बचा वन प्लस साइन ए आप सोच रहे होंगे इसमें से टू ले लिया तो जीरो बचना चाहिए गाइस हमने घटाया नहीं है हमने दो को बाहर निकाल लिया दो को बाहर निकाल लिया फिर इसके लिए अब देखो टू इंटू वन प्लस साइन ए जब इसको सॉल्व करेंगे तो टू को वन से करेंगे तो टू आ जाएगा प्लस टू को साइन ए से करेंगे तो टू साइन ए आ जाएगा गाइस अगर मैं वन नहीं लिखता अगर सपोज करो जीरो लिखता तो क्या आ जाता तो इसका मतलब होता टू इंटू जीरो दैट इज जीरो प्लस टू साइन है तो जीरो प्लस टू साइन है थोड़ी इसलिए वन लिखेंगे आप अपने आप कॉमन सेंस से सोच सकते हैं ऊपर नीचे दोनों सेम आ गए तो कट गया टू अपॉन कॉस है और वन अपॉन कॉस है मुझे पता है सेके होता है तो टू सेके आ जाएगा इसका आंसर दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन So guys, as you can see here in this question, छठे नंबर का क्वेश्चन है इसने हमें से दिखाना है tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta that is equals to 1 plus sec theta cos sec theta. यानी जो लेफ्ट हैंड में जो चीज दे रखी है उसको हमें इसके क्वेश्चन करना है क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा में नोट ये भी लिख रखा है कि
हमें सब चीज को साइन थीटा और अपन कॉस थीटा या साइन थीटा और कॉस थीटा की टर्म में चेंज करना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है, इंस्ट्रक्शन दे रखा है। तो फिर तो क्वेश्चन में बहुत आसान बना दिया, यानी उसमें सीधे ही कह दिया कि साइन और कॉस में कन्वर्ट करो, इसको सॉल्व करो। बस हम यही करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, उसके बाद हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो एलसीएम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे हम नीचे जो चीजें दे रखी है ना उनको गुणा कर देते हैं, अगर सेम होती है तो एक बार लिख लेते हैं, अगर अलग अलग है तो उनको मल्टीप्लाई में कर देते हैं। 1 माइनस कॉट थीटा, ये हमने एलसीएम ले लिया। अब सबसे पहले इस वाले पोर्शन में 1 माइनस कॉट थीटा यानी डिनोमिनेटर होता है उसको हम डिवाइड करते हैं, तो 1 माइनस कॉट थीटा से ये कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 माइनस टेन थीटा। फिर इसको हम टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा हो जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, प्लस आ जाएगा, प्लस आ गया। ऐसे ही डिनोमिनेटर में 1 माइनस टेन थीटा आ रहा है तो इसका डिवाइड करेंगे 1 माइनस टेन थीटा का, तो इससे ये कट जाएगा क्योंकि ये भी 1 माइनस टेन थीटा और ये भी 1 माइनस टेन थीटा है, बचेगा क्या, 1 माइनस कॉट थीटा। 1 माइनस कॉट थीटा को ऊपर वाले नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इसमें किया था टेन थीटा से, वैसे इधर करेंगे। तो 1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा इंटू क्या करेंगे, ऊपर वाले नॉमिनेटर से, दैट इज कॉट थीटा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, अब हमारा काम हो गया, अब हम इसको करेंगे साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट। टेन थीटा की जगह लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा की जगह लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो लिख दो भाई, टेन थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दो, लिख दिया मैंने, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू, इसमें गाइस कैलकुलेशन का ध्यान रखना है क्योंकि कैलकुलेशन की मिस्टेक जरूर हो सकती है आपसे, इंटू 1 माइनस टेन थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। प्लस चल रहा है, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखूंगा, और अंदर बाहर फिर कॉट थीटा, वापस कॉस थीटा अपॉन अपॉन साइन थीटा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर। और नीचे क्या होगा, नीचे आएगा इस पूरे पे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इज इट क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ गया, ये होगा। यहां तक समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसके बाद मैं क्या करूंगा, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा तो मैं इसको इस तरफ लिख लेता हूँ, कोशिश करता हूँ इसमें आ जाएगा तो इसको लिखूंगा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एज इट इज चलने दूंगा, साइन थीटा अपॉन थीटा नहीं लिख रहा, साइन अपॉन कॉस लिख रहा हूँ, वो समझ लेना। और इसका एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एलसीएम कॉस आ जाएगा, एलसीएम। इज इट क्लियर, कॉस आ जाएगा। और फिर कॉस आ जाएगा, कॉस का 1 में डिवाइड करेंगे तो कॉस टाइम जाएगा, कॉस को फिर 1 से करेंगे तो कॉस ही आ जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, साइन आ जाएगा। इज इट क्लियर, ये आपको पता होगा कैसे कर रहा हूँ, और इतना तो आना चाहिए। प्लस प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, इसका भी एलसीएम ले लेंगे ऐसे ही, तो इसका एलसीएम आएगा साइन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। फिर साइन आएगा तो साइन का 1 में डिवाइड करेंगे, 1 का डिवाइड करेंगे ना, तो जाएगा साइन टाइम ही जाएगा, यानी साइन बार ही जाएगा। साइन को फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ही आएगा, साइन माइनस साइन को साइन से करेंगे तो कट जाएगा, 1 आएगा, 1 को फिर ऊपर वाले से गुणा करेंगे कॉस से तो कॉस आएगा, कॉस आ जाएगा। इज इट क्लियर। और इधर चल रहा है कॉस अपॉन साइन चल रहा है, कॉस अपॉन साइन चल रहा है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। और नीचे चलेगा, नीचे चलेगा, नीचे इसका एलसीएम, इसका एलसीएम साइन आएगा, क्या आएगा, इसका एलसीएम साइन आएगा, साइन आएगा। और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दैट इज साइन माइनस कॉस हो जाएगा। ऐसे ही इस वाले में कॉस एलसीएम आएगा, क्या आएगा, कॉस एलसीएम आएगा। और फिर ऊपर हो जाएगा कॉस माइनस साइन हो जाएगा, कॉस माइनस साइन हो जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब इसके बाद मैं यहां से मिटा लेता हूँ, फिर मैं इसको फर्दर करता हूँ, इसको साथ ही साथ नोट करते जाना, या फिर अगर नहीं कर पाए हो तो पीछा जो है स्क्रीन में बैक जाने का, 10 सेकंड बैक जाने का ऑप्शन होता है डबल बार टिक करने के बाद, तो स्क्रीनशॉट खींच लेना वैसे करके। तो अब ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया साइन इंटू कॉस माइनस साइन इंटू कॉस माइनस साइन अपॉन, नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर क्योंकि 2 बार हो रहा है, प्लस या प्लस की जगह देखो कॉस माइनस साइन आ रहा है, इधर साइन माइनस कॉस आ रहा है, मैं माइनस निकाल लूं तो क्या हो जाएगा, कॉस माइनस साइन ही हो जाएगा ना, तो माइनस माइनस को मैं निकाल लिया तो क्या होगा, कॉस माइनस साइन होगा, कॉस माइनस साइन, क्योंकि माइनस बाहर निकाले तो अंदर चिन्ह चेंज हो जाता है, अपॉन नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार हो रहा है ना, 2 बार आ रहा है साइन साइन, तो साइन स्क्वायर में थीटा नहीं लगा रहा गाइस, क्योंकि फिर ज्यादा जगह गिर जाएगी। तो कॉस चल रहा है इसके साथ, कॉस चल रहा है, इसको कॉस माइनस साइन हो गया क्योंकि माइनस बाहर निकाल लिया, और ये साइन स्क्वायर हो गया। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा साइन माइनस कॉस, या कॉस माइनस साइन ले लेता हूँ इसमें भी मैं, चलो छोड़ो क्योंकि कॉस माइनस साइन ऐसे कैसे ही देने देता हूँ, साइन माइनस कॉस इंटू कॉस माइनस साइन इंटू कॉस माइनस साइन साइन अपॉन, नीचे क्या आगे, नीचे आएगा साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। अब इसके बाद देखो इसमें से कॉस माइनस साइन कॉमन आ रहे हैं, दोनों में आ रहे हैं, तो कॉमन आ जाएगा, बाहर निकाल लेता हूँ सबसे पहले, तो निकालूंगा तो क्या बचेगा, कॉस माइनस साइन बाहर निकालिया मैंने, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा साइन अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर बचा,
इसमें से कॉस माइनस साइन निकालो तो कॉस अपॉन साइन स्क्वायर, कॉस अपॉन साइन स्क्वायर बचा, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। और फिर ये क्या हो जाएगा, ये नीचे नीचे में से साइन माइनस कॉस एज इट इज रहने देते हैं, ऊपर वाला हमारा कंफर्म हो गया, ऊपर वाला जो भी था अब कॉस माइनस साइन और नीचे चल रहा है साइन कॉस चल रहा है, साइन कॉस चल रहा है, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि देखो कॉस माइनस साइन बाहर आ जाएगा और मुझे इधर भी दिख रहा है कॉस माइनस साइन, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब इसके बाद मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर फर्दर आगे इसको प्रोसेस करता हूँ। तो देखो गाइस अब यहीं पे कर लेता हूँ एक बार, तो कॉस माइनस साइन से कॉस माइनस साइन दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, सेम आ रहे हैं ना, और ऊपर नीचे आ रहे तो कैंसल आउट हो जाएंगे। तो और फिर क्या करेंगे, फिर मैं करूंगा इसका मैं एलसीएम ले लूंगा, इसका एलसीएम ले लूंगा, तो क्या होगा साइन अपॉन कॉस, एक बार ऐसे कैसे लिख देते हैं एलसीएम बाद में लेंगे, माइनस कॉस अपॉन साइन स्क्वायर, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। और नीचे चल रहा है इससे तो ये कट गया, अब बचा क्या साइन माइनस कॉस बचा, क्या बचा साइन माइनस कॉस बचा, और नीचे बचा साइन कॉस बचा, साइन कॉस बचा। अब क्या करूंगा, अब मैं इसका फर्दर एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम आएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इज इट क्लियर, कैसे आया क्योंकि मल्टीप्लाई कर देंगे अलग अलग आ जाए, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इसका एलसीएम आ गया। तब अब इसके बाद हम करते हैं, सबसे पहले इसको ले लो, इसमें जो नीचे आ रहा है ना कॉस स्क्वायर उसका हम डिवाइड कर देंगे, कॉस स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बचेगा क्या साइन स्क्वायर, जो बचता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यूब हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है, साइन क्यूब माइनस, अब इसको लेंगे क्योंकि माइनस आ रहा है तो माइनस लगा लिया, अब इसको लेंगे इसमें क्या नीचे आ रहा है साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन स्क्वायर से बचेगा क्या कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर को ऊपर कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस क्यूब हो जाएगा, कॉस क्यूब हो जाएगा, इज इट क्लियर। तो नीचे है, नीचे क्या है, ये है साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस अपॉन साइन कॉस अपॉन साइन कॉस। अब क्या करता हूँ, एक बार इसको मिटा लेता हूँ मैं यहां से, फिर इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ, ये आ गया। अब मैं करता हूँ इन दोनों को तो आपस में गुणा कर दो, और इन दोनों को आपस में, बाहर वाला आपस में अंदर वाला आपस में, तो साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब माइनस कॉस क्यूब इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा साइन कॉस, क्या हो जाएगा साइन कॉस हो जाएगा, और फिर अंदर वाले आपस में गुणा हो जाएगा, अंदर है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इज इट क्लियर, इंटू साइन माइनस कॉस, इज इट क्लियर, साइन माइनस कॉस। अब देखो गाइस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर यानी साइन कॉस का होल स्क्वायर हो सकता है ना, साइन कॉस का होल स्क्वायर, इज इट क्लियर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर यानी साइन को, या फिर ऐसा छोड़ो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ही रहने दो, क्या रहने दो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब मैं इसको फर्दर करता हूँ, इसको कैसे करता हूँ, ये साइन इंटू कॉस है, साइन इंटू कॉस है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देखो एक साइन से ये साइन स्क्वायर दो बार आ रहे तो ये कट जाएगा, सिर्फ एक साइन बचेगा, ऐसी एक कॉस से दो बार आ रहे तो एक बार कट जाएगा, सिर्फ एक बचेगा, सिर्फ एक बचेगा, इधर भी एक बचेगा, इज इट क्लियर। अब क्या करूंगा साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसकी इक्वेशन होती है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये इसकी इक्वेशन होती है। तो क्या करूंगा मैं साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब की जगह ए माइनस बी दैट इज साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस इंटू ए स्क्वायर दैट मीन साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट मीन कॉस स्क्वायर प्लस ए बी दैट मीन साइन कॉस, दैट मीन साइन कॉस, और साइन कॉस ये कट गया, ये कट गया, सिर्फ एक नीचे साइन कॉस बचा क्योंकि इधर नीचे दो आ रहे थे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ रहा था, ऊपर साइन कॉस आ रहा था, एक बार तो कट गया, सिर्फ एक बार बचेगा कॉस इंटू साइन माइनस कॉस इंटू साइन माइनस कॉस, सिर्फ क्लियर स्टूडेंट्स। ये आपस में भी कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि सेम आ रहे हैं, कट गए, और मुझे दिख रहा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दैट इज वन, क्या दैट इज वन हो जाएगा। तो इसको मैं एक बार यहां से मिटा लेता हूं, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन के बराबर है, तो मैं लिख दूंगा वन प्लस साइन कॉस, साइन कॉस क्योंकि इसकी जगह मैंने वन लिख दिया। गाइस ये आपको साथ ही साथ यहाँ डालते जाना, जैसे आप मेरे पास तो जगह नहीं लेकिन आपके पास बड़ा सा पेपर होता है तो साइड में डालते हैं, चूंकि क्यों हमने ऐसा क्यों लिखा, ये वन वन कहां से है, चूंकि लिख देना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर क्या दैट इज वन, ये आपको साथ ही साथ इंस्ट्रक्शन डालते जाने हैं। और नीचे क्या है, नीचे साइन कॉस है, साइन कॉस है, इज इट क्लियर, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करेंगे, पूरे के नीचे आ रहे तो इससे इसको लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम, इसके बाद आगे चल रहा है इसको लिख सकते हैं वन अपॉन साइन कॉस, वन अपॉन साइन कॉस प्लस साइन कॉस अपॉन साइन कॉस, यानी अलग अलग कर लिया मैंने, अलग अलग कर लिया, इसको इसके साथ भी डिवाइड कर दिया, इसके साथ भी, जब इसको करूंगा तो इसको लिख सकता हूँ वन इंटू वन अपॉन, क्योंकि वन इंटू वन भी तो वन के बराबर ही होता है, अपॉन साइन कॉस, साइन कॉस है, साइन कॉस इंटू कॉस कॉस मतलब कॉस है ना, ये है वन की जगह मैंने वन इंटू वन लिख दिया, साइन इंटू कॉस को मैंने साइन इंटू कॉस कर दिया, इज इट क्लियर, प्लस ये दोनों सेम है तो कट जाएगा तो एक बार आ जाएगा। और मुझे बताया वन अपॉन साइन क्या होता है, वन अपॉन साइन होता है कॉसेक, वन अपॉन साइन यानी वन अपॉन में आ रहे तो इसके सामने वाला होगा तो कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक है ना, इंटू आ रहा है, इंटू आ रहा है ना, वन अपॉन कॉस क्या होता है, वन अपॉन कॉस इसके सामने सेक, सेक
प्लस वन। अब इसको मैं आगे पीछे कर लेता हूँ, वन को पहले लिख देता हूँ, प्लस कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, यानी इसको आगे लिख लिया और इसको पीछे लिख दिया, ये आ गया हमारा आर एच एस, ये हमारा आ गया आर एच एस, हमें यही सिद्ध करना था, वन प्लस सेक इंटू कॉसेक, हमें यही सिद्ध करना था। गाइस अगर मार्कर शायद इस काफी हल्का हो गया है, आपको दिख रहा होगा ये सॉल्व किया, तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं वन प्लस सेक कॉसेक गया। सबसे पहले बेसिकली हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये एलसीएम है, एलसीएम लिया, इसको एलसीएम को हमने सॉल्व किया, वन माइनस कॉट थीटा वन माइनस टेन थीटा, जैसे जिस तरीके से किया, उसके बाद हमने टेन की जाए साइन अपॉन कॉस कर दिया, कॉट की जाए कॉस अपॉन साइन कर दिया, और फिर फर्दर इसको क्या किया हमने, नॉर्मल मैथमेटिक्स लगाई, फिर एलसीएम करने के बाद जो सेम आ रहे थे उनको कैंसल आउट कर दिया, और फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जो इक्वेशन है उसको लगाया, और फिर बाद में एक और बार हमें काटना पड़ा, और फिर लास्ट में जाके हमने ये वाली जो सर इक्वेशन है आइडेंटिटी है वो लगाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज वन, और उसके बाद तो नॉर्मल मैथमेटिक्स है। बेसिकली इस इन तरीके के क्वेश्चनों में आपको ये तो आना चाहिए कि भाई अप्लाई कौन सा फॉर्मूला कब करना है, अप्लाई ज्यादातर फॉर्मूले होंगे, एक ही क्वेश्चन में दो दो तीन तीन फॉर्मूले होंगे, पर किस टाइम पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आपकी मैथ स्ट्रांग होना, यानी मैथ स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं है, मैथ स्ट्रांग होने का मतलब कि आपको एलसीएम अच्छी तरीके से लेना आना चाहिए, मल्टीप्लाई या फिर जो भी चीज है नॉर्मल प्लस माइनस करना आना चाहिए, क्योंकि इनमें थोड़ी सी गलती पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। सो अब सेवंथ क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। गाइस सेवंथ क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, यानी इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, सेक स्क्वायर ए माइनस वन या कॉट स्क्वायर या टेन स्क्वायर ए। इसको दो तरीके हैं, एक तो क्या है कि वन प्लस टेन स्क्वायर ए इसकी वैल्यू रख दो यहां से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज वन, तो माइनस को इस तरफ लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में जाएगा तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज सेक स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ऐसे इसकी जगह कॉसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। एक तो ये मेथड है, एक मेथड है कि टेन को साइन और कॉस में कन्वर्ट करो, ऐसे कॉस को भी साइन और कॉस में कन्वर्ट करो तो भी आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट मेथड लेते हैं, सबसे पहले वन प्लस टेन स्क्वायर ए लिखते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए सबसे पहले। अब इसके बाद मुझे पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज वन, तो यहां लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज वन, तो इससे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा दैट इज माइनस है तो इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो वन प्लस जुड़ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, है ना, टेन स्क्वायर थीटा, यानी वन प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, सेक स्क्वायर ए लिख सकता हूं। ऐसे ही वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी कॉट स्क्वायर इसमें आ रहा है, तो ये मुझे पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज वन, तो इसको इस तरफ ले जाऊंगा तो ये माइनस है तो इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहां से हटके इस तरफ पहुंच गया, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो बस वैल्यू रख दो, वन प्लस टेन स्क्वायर की जगह लिख दो सेक स्क्वायर ए, और इसकी जगह लिख दो कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए हो गया, बस सेक की जगह मैं वापिस इसको कर दूंगा, क्या करूंगा, तो देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, सेक की जगह लिखता हूँ वन अपॉन कॉस कर सकता हूँ ना मैं, वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ऐसे ही कॉसेक की जगह वन अपॉन साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ ऑब्वियसली, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो वन इंटू क्या हो जाएगा, वन इंटू साइन स्क्वायर, यानी बार वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और अंदर वाले क्या है, अंदर वाला है कॉस स्क्वायर इंटू वन, तो क्या हो जाएगा ये वन इंटू साइन स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर, ऐसे ही कॉस स्क्वायर इंटू वन दैट इज कॉस स्क्वायर, ये क्या हो गया, साइन अपॉन कॉस टेन, तो यानी टेन स्क्वायर हो जाएगा, टेन स्क्वायर, कैसे हुआ, ये हुआ कि दोनों के पास पावर है, दोनों के पास स्क्वायर है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ ना मैं बाहर, ये लिख सकता हूँ, जब भी तो अंदर गई तो वही बन जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है टेन ए, हमें पता है टेन ए होता है, तो टेन ए का होल स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स टेन स्क्वायर ए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक तो ये तरीका है, एक है कि टेन को साइन और कॉस में करो, यानी वन प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, जैसे मैं बता देता हूँ इधर हल्का सा बताता हूँ, इसकी जगह क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर की जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, तो वन प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ऐसे ही कॉट की जगह वन प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर हो जाएगा, इज इट क्लियर, जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन कॉस स्क्वायर हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा अपॉन नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर, और जब इसका लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर हो जाएगा, इसकी वैल्यू मुझे पता है वन होती है, और इसकी भी पता है मुझे वन होती है, तो क्या वन अपॉन कॉस स्क्वायर, है ना, अपॉन वन अपॉन साइन स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगी वन अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये बन गई, इससे हो जाएगा सॉल्व, ये दो तरीके हैं। अब हम एट क्वेश्चन लेते हैं और इसको फर्दर आगे बढ़ते हैं। गाइस इसमें 8.4 में मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन करा दिए, फिर भी सारे क्वेश्चन कराना तो पॉसिबल नहीं है, तो तीन से चार क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूँ, उनको भी आप कोशिश करना घर पे, जो मैंने करा दिए ऐसे नहीं कि इनको करा दिए तो इनको नहीं करेंगे, फिर सिर्फ छोड़े उन्हीं को करेंगे, नहीं, जो करवा दिए उनको तीन तीन चार चार बार करो, जो नहीं करवाए उनको छह छह बार करो, क्योंकि
बेसिकली इतने आसान क्वेश्चन ये जितने हमें दिखने में लग रहे हैं अभी करने में, अरे आपको लगा अरे यार कितना आसान है, पर जब खुद करने बैठते हैं तब पता चलता है कितना आसान है कितना टफ है। तो गाइस ध्यान रखना, इसको बार बार से मैं आपको कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन अंडरस्टैंडिंग, समझने से ज्यादा उसकी प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही ना, बार बार से आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही आपको याद हो जाएगी वो चीज। तो कभी कभार हम जनरली होता है कि मेरे को ये स्टेटमेंट ये समझ में नहीं आ रहा, मैं बार बार से उसकी प्रैक्टिस लिख रहा हूँ और अपने आप ही याद हो जाएगा या अपने आप ही मुझे समझ में आ जाएगा, मेरा माइंड ही एक्सेप्ट कर लेगा। तो आप भी कोशिश करना, माइंड आपका भी एक्सेप्ट करने लग जाएगा। तो 8 क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस 8 क्वेश्चन में हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो देखो इनको ऐड करो तो कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। क्या आ रहा है? 90 आ रहा है। तो क्या 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा। और आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर 27 को क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस स्क्वायर 63, क्योंकि 90 माइनस उस तरीके से लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर 63। तो साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63, थीटा दोनों सेम आ गए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा, ऐसे इसकी भी वैल्यू बना जाएगी। तो इसका आंसर अपने आप बना जाएगा, पर फिर भी मैं बता देता हूँ आपको एक हल्का आइडिया दिया। तो जो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको मैंने लिख लिया साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन क्या है, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक को दूसरे में कन्वर्ट करूंगा, एक को कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा इसमें से, और इसमें से मैं एक को साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। तो देखता हूं भाई होता है या नहीं। तो साइन 63 डिग्री, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर 63 की जगह लिख सकता हूं मैं 90 माइनस, क्योंकि मुझे 90 माइनस को कन्वर्ट करना है, एड स्क्वायर है। तो एक बार स्क्वायर को मैं सब उसके बाहर ही लगा दूंगा पूरी के। तो 90 माइनस क्या करूं, तो मैंने बताया था कि 90 माइनस क्या करूं वो मुझे पता करना है, थीटा क्या होना चाहिए। तो जो देर का होता है ना वो घटा देते हैं, वो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 27 आ जाएगा अपने आप ही। गाइस घटा के देखना, तो 90 माइनस 27 इसका होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर है गाइस, इसका होल स्क्वायर है, या फिर इधर लगा दो अपने आप समझ जाना ये पूरे का होल स्क्वायर है ना, प्लस ये साइन स्क्वायर 27, क्योंकि एक ही चेंज करना है ना, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। अपॉन क्या, इसमें से भी एक चेंज करो, मैं मान के चलो इसको चेंज कर देता हूं, तो कॉस स्क्वायर एज इट इज, कॉस स्क्वायर एज इट इज 17 है, तो मैं 90 माइनस क्या करूं, तो 90 माइनस क्या करते हैं जो देर का होता है वो घटा देते हैं, वो कितना आएगा, वो आएगा 73। 90 माइनस 17 करेंगे तो 73 आएगा, है ना। तो प्लस क्या है, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। फर्दर इसको करेंगे तो साइन 90 माइनस जो कुछ भी होता है वो क्या होता है, कॉस में आ जाता है, साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या है, 27, तो कॉस 27 आ जाएगा, तो एक आ जाएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, इज इट क्लियर, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा ना, प्लस साइन स्क्वायर 27, साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा दैट इज होता है साइन थीटा, इज इट क्लियर। साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, इज इट क्लियर। टेन का कोट होता है, कोट का टेन होता है, मैंने ये बता रखा है, ये ट्रिक बता रखी है ना, ये होता है कॉस 90 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा। तो कॉस 90 माइनस 73 दैट इज साइन 73, इज इट क्लियर। 90 माइनस थीटा की जगह 73 लिख दूंगा, 90 माइनस 73 दैट इज साइन 73। तो ये कर देगा साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, बस आ गया साइन, ये क्या है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दैट इज 1 होता है। अगर ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है और उनका स्क्वायर है ना छोटा रहा है तो 1 हो जाता है, और ये साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 दैट इज 1, तो 1/1 दैट इज इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया, अगर ये आपको समझ में आ गया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सो गाइस हम ये जो है पार्ट 5 और ट्रिग्नोमेट्री यहीं पे फिनिश करते हैं, एक्सरसाइज 8। अभी भी इसमें 5 से 6 क्वेश्चन बाकी हैं, बाकी कुछ बाकी हैं, पर देखते हैं अब इसमें और भी आगे करवाएं तो पार्ट 6 ला सकते हैं, पर वो बाद में लाएंगे। बाकी ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए, मैं बार बार से कह रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा रिवार्ड हमें भी मिलना चाहिए, हम इतनी मेहनत करें। और आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो तो हमें जरूर बताना, हमें कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा हम बेसिक मैथमेटिक्स का भी लाने की सोच रहे हैं, अगर हमारे सब्सक्राइबर बढ़े और हमें ऐसे लगे कि हाँ भाई स्टूडेंट्स को फायदा हो रहा है या वो देख रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आना चाहिए बेसिक मैथमेटिक्स की भी, या फिर अदर प्लेलिस्ट आनी चाहिए जैसे फिजिक्स हुई या फिर हायर मैथमेटिक्स हुई, हायर मैथमेटिक्स में फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स 12th के आगे भी आती हैं, तो वो चाहिए, या फिर कैलकुलस हुए, काफी सारा कैलकुलस काफी इंपॉर्टेंट है फॉर IIT JEE, एंड जब आप कॉलेज में जाएंगे BSc करेंगे या फिर किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेंगे एडमिशन लेंगे तो उसमें भी जरूरत होता है। तो आप चाहते हैं हायर मैथमेटिक्स करें या फिर केमिस्ट्री फिजिक्स कुछ भी स्टार्ट करें तो हमें कमेंट करके बताइए, और जितना ज्यादा इसको प्रमोट करेंगे उतना ज्यादा स्टूडेंट्स को भी फायदा होगा, क्योंकि फिर हम उतना ज्यादा उनके लिए सोचेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टाटा, सी यू सून।